अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जो पाकिस्तानियों को थोड़ा सा परेशान करेगी। धमाका है, धमाका। उस धमाके से पहले चले उसकी हेडिंग बता देते, नए कैनेडियन तारीख वतन का सबसे बड़ा जरिया हिंदुस्तान बनता जा रहा है। नए कैनेडियन तारीकिन वतन का सबसे बड़ा जरिया हिंदुस्तान बनता जा रहा है। यह भी अभी IRCC इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप ऑफ कनाडा या सिटीजनशिप कनाडा ने 2022 और फर्स्ट सिक्स मंथ्स की फिगर्स रिलीज की हैं। उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़े से कमेंट्स खेल लूं, क्योंकि कमेंट्स इतने आते हैं फिर वो जमा हो जाते हैं, मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होता है। लेकिन मैं बहुत ही क्विक करके इन कमेंट्स वालों को फारिग करता हूँ। ZEI ने कहा, हैव ट्रेवल अराउंड 16 कंट्रीज, और उन्होंने मेरी जो है ये वीडियो देखी थी, कौन सी, अराइवल एट बीजिंग एयरपोर्ट चाइना। मैंने एक 2018 में मैं गया था बीजिंग, तो उसकी वीडियो देखी थी। ट्रूली आई लव योर सिंपल स्टाइल एंड द वे यू लाइक टू सी नैरो स्ट्रीट। जी बिल्कुल जी, मुझे आई डोंट लाइक टू सी ये कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये मिसागा में जो टावर खड़े कर रहे हैं, या मैनहट्टन है, या इवन डाउनटाउन टोरंटो या शिकागो या नो मैटर वेयर, जिसकी कॉपी कर रहा है दुबई। तो यस, आई लव टू सी दैट। सिटी टेक्सटाइल ने कहा, सूलन कनाडा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कराची लाहौर पिंडी बहुत बिजनेस के जरिए बहुत। बिल्कुल जनाब, मैं इससे 100% इतफाक करता हूं, मैं आपकी इस बात से 100% इतफाक करता हूं कि हमारी कम्युनिटी में दो चार कम्युनिटी ऐसी हैं, जिस तरह हमारे जो NWFP के, या क्या सरहद का इलाका जो कहलाता है, NWFP कहलाता है ना, पठान जो है, मेमन बरादरी है जो गुजराती है, पत्थर भी बेचना जानते हैं, कराची के लोग, और लाहौर के खसूसी और इस्लामाबाद के बिगड़े हुए लड़के। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको LX पे, OLX पे बेच सकते हैं। तो कोई भी चीज पकड़ें, कहीं से पकड़ें, आगे निकाल दें, पकड़ें निकाल दें, मार्केटिंग करना सीखें। बिल्कुल जी, देर इज अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस। और इसमें मैंने, मेरा एक आखानी दोस्त था जिसने मुझे बिजनेस में डाला था शिकागो में 1982 में, तो मुझे कहा था, खालिद भोपाल में 15 आने, चाकरी में एक आना। अभी तक मुझे उसके अल्फाज याद है। एंड ही पुट मी, टुक मी फ्रॉम द स्ट्रीट एंड मेड मी अ बिजनेसमैन। तो बिल्कुल जी, बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद है आपका, आपके अल्फाज दब जाते हैं, सिटी टेक्सटाइल ने भी कहा है कि दोबारा कहा है कभी और कभी ऊपर नीचे। बिल्कुल जी, मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, और डेफिनेटली मैंने नए तरीके के माइक, सस्ते वाले माइक, एक्चुअली आई वुड से दैट, यूज किए हैं। अभी $200-250 का आता है यार अच्छा वाला माइक, रोड का तो $400 का आता है। तो आई हैड स्पेंड टन्स ऑफ मनी ऑन माई कैमराज एंड ऑल दैट, एंड आई हैव नेवर मेड दैट काइंड ऑफ मनी। तो डेफिनेटली जी, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ बेटर माइक। इसके बाद है गुलाम मुहीउद्दीन सर, मैं बहुत सारी वीडियो देखी है आपकी, जजाकअल्लाह ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। फिजा इरफान ने क्या कहा है, इनका एक क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दे दिया था, लंबा चौड़ा है। मोहम्मद बिलावल जी, बीन फॉलो मी फ्रॉम मदीना एंड ही फॉलो मी ऑन टिकटॉक एंड एवरीथिंग, ग्रेट जॉब बिग ब्रदर, गॉड ब्लेस। हम, मैंने कई दफा हरम से बैठ के इनसे सुबह के फजर की नमाज पढ़ते हुए, पढ़ के जब मैं 3rd से रोजे के बाद बैठा होता था, तो अक्सर इनकी, इनसे बात हुआ करती थी। हुई है बात, नॉट एवरी डे। सईद खान साहब ने कहा है, सर सऊदी अरब से वीजा आसानी से लग जाता है, मेरे पासपोर्ट पर 3-4 सेंट्री। बिल्कुल जी, आपको यू शुड ट्राई। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं इस बात में बात निकल आती है, आई नीड टू रैप इट अप इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, देन आई एम गोना गो टू के नए कैनेडियन तारीख ने, द टॉप सोर्स ऑफ न्यू कैनेडियन इमिग्रेंट्स कंटिन्यू टू बी इंडिया, ये नई नई IRCC की। अच्छा जी, जो लोग भी UAE में अच्छी जॉब्स पे बैठे हुए हैं, बैंक बैलेंस उनका अच्छा है, 5,000 से 6,000 दिरहम महीने का कमा रहे हैं, दे शुड ट्राई अ विजिट वीजा। थोड़ा सा खर्चा होगा, जस्ट सिंपली अप्लाई योरसेल्फ, या किसी भी आप कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि भेजे विजिट वीजा अप्लाई करना है, फॉर्म भरने की हद तक है, और जो डॉक्यूमेंट, जो कोई भी एक्सपीरियंस, तो एक दफा चक्कर लगा के जाए और देखें अपने ऑप्शंस। जो इतने सारे क्वेश्चंस लोग वहां से बैठ के कर रहे हैं ना, मैं UAE है, मिडल ईस्ट के लोग जो भी हैं, जो अभी इस वक्त जॉब के ऊपर हैं, दे शुड कम।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है नेक्स्ट है, मैं जो शुक्रिया के साथ है उनका मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत जिन जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस को पसंद किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, मारून शकील ने कहा काइंडली इस्लामिक बैंकिंग का बता दें। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना मेरे रिजर्वेशंस हैं। इस्लामिक बैंकिंग जो है यहाँ पर दो तरह की होती है, एक तो लोगों का एक पूल अकाउंट होता है, पूल अमाउंट होती है जिसमें इन्वेस्टर जो है उस, लेकिन मोस्टली जो है माफ कीजिएगा, मोस्टली जो है वो बैंक से ही पैसा लेके आगे खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी आई डोंट हैव अ कंक्रीट नॉलेज, बट आई विल डेफिनेटली लुक इन टू इट एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। अब आपने कहा है तो मैं आई विल डेफिनेटली सीरियसली गेट इनटू इट। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू जी, जजाकल्ला। उसके बाद है आपका, इसके बाद क्या आ गया, चाहिए वो एक ही वीडियो के फिर आगे थ्रेड्स आ जाते हैं। उसके बाद है ट्रक ड्राइवर का, बताएं जी। अब मैंने सुबह ही वीडियो बनाई, उसके बाद ये कमेंट कर रहे हैं, उसी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। अगर वीडियो आप पुरानी नहीं देखेंगे, अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली आई मीन आप फिर वही क्वेश्चन रिपीट रिपीट करेंगे। ये यार मुझे नाम नहीं पता है, चलें इसका लास्ट करके फिर मैं इसको खत्म करता हूँ। वीजा कॉर्नर का, व्हाट इफ अ वुमेन कमिंग विथ टू माइनर किड्स एज सिंगल मदर। देखें डिपेंड करता है कि आप अगर विजिट वीजा आपको मिल जाता है, आप यहाँ आती हैं माइनर किड्स के साथ, तो फिर आगे क्या करेंगी आप? विजिट वीजे के बाद आपका क्या आपके पास प्लान बी भी होना, प्लान ए तो हो गया क्या, आप आ गई, प्लान बी क्या होगा इसके बाद का, आगे प्लान क्या होगा? तो ईमेल कभी कर दीजिएगा तो इन डिटेल जो आपसे बात हो जाएगी। चले वीर, आगे कमेंट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं इसकी तरफ जाता हूँ कि नए कैनेडियन तारकीन है, वतन का सबसे बड़ा जरिया हिंदुस्तान बनता जा रहा है, दैट्स ट्रू। और अब आते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अमीना के 22 में कितने आए, 2000 उसमें कितने आए, मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और उससे मैं आगे बढ़ूंगा। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द टॉप सोर्स ऑफ न्यू कैनेडियन इमिग्रेंट्स फॉलोड बाय नाइजीरिया, द फिलीपींस एंड चाइना। तो बकौल इनके के जी इंडिया जो है वो टॉप सोर्स ऑफ न्यू कैनेडियन इमिग्रेंट्स का हो गया, और उसके बाद नंबर आता है नाइजीरिया, फिलीपींस एंड चाइना। इन टोटल कैनेडा लैंडेड 263,180 न्यू इमिग्रेंट्स इन द फर्स्ट टू क्वार्टर्स ऑफ, जिसमें 84,000 जो थे, अच्छा पहले जो दो क्वार्टर हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, जनवरी से जून तक 2,63,180 इमिग्रेंट्स आए, जिसमें 84,000 हैव इंडियन नेशनैलिटीज। इज इट नॉट समथिंग? A total of 437,610 new permanent residents were landed in Canada last year with the first half of 2022, including 232,122 new permanent residents. अच्छा जी, इसके बाद की कहानी क्या है? बिलो इज अ कंट्री वाइड लिस्ट ऑफ 10 सोर्स ऑफ न्यू, मैं इसकी क्या नाम है स्लाइड इसके ऊपर मैं लगा दी है, उसका जो स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें इंडिया में 84,425, चाइना से 18। अच्छा देखे, मजे की बात ये, इस वक्त जो डिलेमा है, इंडिया कहने को बहुत तरक्की कर ली है लेकिन सीरियस ब्रेन ड्रेन हो वहां से हो रहा है, क्यों निकल रहे हैं? आधा कनाडा, आधा आई मीन ये नहीं कहना चाहिए कि आधा इंडिया उठ के बाहर चला गया, यूक्रेन में, यूरोपियन कंट्रीज में, एवरीवेयर यू विल सी इंडियंस। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हर तरफ कनाडा में इंडियंस क्यों नजर आते हैं,
दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर, दे आर जस्ट बीन रिलीज्ड। तो टॉप 10 कंट्री जो जनवरी से जून 2023 तक जो परमानेंट रेजिडेंट आए हैं वो 84,425 है, और चाइना जबकि उसकी दोनों की इक्वल आबादी है, थोड़ा सा इंडिया ऊपर निकल गया है, वहां से सिर्फ और सिर्फ 18,000 लोग आए। इट मीन्स कि चाइनीज आर फुल्ली सेटिस्फाइड इन देयर कंट्रीज बट द इंडियंस आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर कंट्री, दे आर हैविंग सम इश्यूज, दे वांट टू गेट आउट। वो एक अलग बात है, यहां इस वक्त जो उनके साथ बीत रही है बेचारों के साथ, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, होम सिकनेस है, जॉबलेस है, हाउसिंग इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज दोज फैमिलीज आर गोइंग थ्रू। और जिसमें अभी लास्ट फिगर एक आई थी कि 29% जो है ना उसमें से वापस चले जाते हैं, जो हाईटेक के जो अच्छी जॉबों वाले हैं, जो वहां जिनकी अच्छी जॉब थी, जो अच्छा लिविंग स्टाइल था, वीकेंड एंजॉयमेंट थी, या तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता है भाई। अच्छा, जबकि ये मैं आप बता रहा था कि परमानेंट रेजिडेंट जो आए हैं, जो 84,000 छह महीने के अंदर 84,000 इंडिया से आए हैं, और पाकिस्तान से कितने हैं 6,355। आगे बढ़ते हैं, बात हो रही है इंडिया टॉप्स द लिस्ट ऑफ न्यू सिटीजन्स, जो नए सिटीजन हुए हैं इस मुल्क के अंदर जनवरी से लेके जून 2023 तक, जिसमें 1,77,415 की जो है ना सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हुई है, आउट ऑफ विच 35,000 वर इंडियंस। पूरी दुनिया के अंदर से जो लोग आए हैं यहां पर जनवरी से लेकर जून तक 1,77,415 सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन थी इन्होंने प्रोसेस की थी, जिसमें 35,000 जो थे दे बिलोंग टू इंडिया। फिलिपिनोज, नाइजेरियंस, सीरियंस एंड पाकिस्तानीज आर अमंग द टॉप 5 सोर्स ऑफ न्यू सिटीजन्स फॉर कैनेडा। तो टॉप 5 में उसमें पाकिस्तान का भी नाम है जो सिटीजन हुए हैं। अच्छा, इन 2022 पिछले साल में 4,37,000 आदमियों को, ऑलमोस्ट 38,000 कर लें आप, 4,38,000 या 4.5 कर लें, 4.5 लाख कर लें इंडिविजुअल्स नए सिटीजन हुए थे। आबादी क्यों कनाडा की बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने धड़ाधड़ जो है ना फ्लड गेट खोल दिए हैं। वो गेट का रुख सिर्फ एक ही कंट्री की तरफ है, क्योंकि जो भी इस वक्त टोटल इमिग्रेशन इस वक्त हो रही है, जो भी टोटल इमिग्रेशन, फर्ज किया 100 आदमी आ रहे हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी में हो, चाहे वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन की प्रोसेस हो रही हो, या वो स्टूडेंट्स हो, या नॉर्मल विजिटर्स आ रहे हो, उसका 50% इंडिया से आता है। बात फिर वहीं घूम के आती है, इंडिया विश्वगुरु बनने जा रहा है, मोदी का विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन ये लोग निकल क्यों रहे हैं वहां से, क्यों निकल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, और रिच स्टेट से निकल रहे हैं। पंजाब एक रिच स्टेट समझी जाती है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, उत्तरांचल से हैं, ऊपर की जितनी भी पट्टी है, और फिर नीचे की केरला साइड की, फिर उधर हैदराबाद की तरफ से। अच्छा, तो जनवरी से जून तक 35,000 जो है ना इंडियन सिटीजन हुए हैं, और इसके बाद पाकिस्तान सिर्फ 6,818, जो 6,818 पाकिस्तानी थे, फिर बीच में लिस्ट है, फिलिपीन है, नाइजेरिया है, सीरिया है, पाकिस्तान, ईरान, मैं सबकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। हियर यू गो, दैट्स द नेक्स्ट थिंग, इंडिया इज ऑल्सो टॉप सोर्स ऑफ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो इंडिया इज ऑल्सो इन नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टॉप सोर्स है इंडिया से जो आते हैं। 4,34,899 नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। जनवरी से जून तक तकरीबन 4.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स आए थे, इन टोटल आए थे, जिसमें से 40% जो थे वो इंडिया से आए थे, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि ऑलमोस्ट 50% के करीब जो है आर ऑफ टोटल वर एवर इनटेक इन दिस कंट्री ऑफ इन एनी फॉर्म, किसी भी सूरत में, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे वो टीआरपी कहलाता है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा टीआरवी हो, या परमानेंट वर्क परमिट हो, या किसी भी उस फॉर्म में हो, या उसका 50% जो है ना इंडिया से आता है। अच्छा, फॉलोइंग इंडिया, नाइजेरिया, द फिलीपींस, चाइना, नेपाल आर अमंग द टॉप 5 कंट्रीज ऑफ न्यू इंटरनेशनल कमिंग टू कैनेडा। तो ये मुल्क हैं जो जहां जहां से टॉप 5 के अंदर आते हैं, और कहानी बहुत लंबी है लेकिन इन शॉर्ट बता रहा हूं। और पिछले साल जो थे 7 लाख
7,36,000 सम 627 न्यू स्टडी परमिट इश्यू हुए थे। अब उसमें से आप आधे लगा लें, 47%। लास्ट ईयर ये जो 7 लाख आए हैं इसके अंदर 47% जो थे वो इंडिया से आए थे। अच्छा, अब ये नीचे लिस्ट है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में इंडिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने आए थे, 1,75,021। 1,75,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से आए थे। उसके बाद नाइजीरिया है, फिलीपीन है, और पाकिस्तान का नंबर आखिर में आता है, 4,868 स्टडी परमिट्स इश्यू हुए थे। 4,868 जो है एज कम्पेयर टू इंडिया जहां से 1,75,000 आए थे। कोई रेशियो नहीं बनता, कोई रेशियो बनता ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की आबादी आप 7 times भी इसको करें तो आप अगर इसको 30,000 बने आबादी, फर्ज की हम पाकिस्तान की आबादी को 1,40,00,000,000 रुपए कर लें, तो इसको 7 times कर लें आप, पाकिस्तान की आबादी 25 के करीब है, तो 7 times करेंगे तो 30,000 ही बने। मैं बाद में जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान से क्यों नहीं आ पाते। अब आ जाए बात विजिटर वीजे पे। नियरली 3 लाख विजिटर वीजा हैव बीन अप्रूव्ड फॉर इंडियंस। 299,062 इंडियंस गॉट विजिटर वीजा अप्रूव्ड एज पर द IRCC's लेटेस्ट डेटा ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ विजिटर वीजा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। जो मैंने पहले बात कही है कि 3 लाख के करीब अब तक आ चुके हैं। अब तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने IRCC जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप ऑफ कैनेडा है, जितनी भी एम्बेसीज है पूरी दुनिया के अंदर इनकी, अब तक 1 million लोगों को विजिटर वीजे दे चुकी हैं। कनाडा इज अ हब फॉर टूरिज्म फॉर समर, मार्च के बाद से जो है ना शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट्स पे चले जाएं तो आपको खड़े होने की जगह नहीं नजर आती, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी हब, बिग हब फॉर टूरिज्म। नियाग्रा इधर पे है, फिर वैंकूवर उस तरफ है, फिर नॉर्दर्न एरियाज हैं, क्वेबेक बाय इटसेल्फ इज ब्यूटी, फिर ईस्ट में चले जाएं आपका नोवा स्कोशिया से लेकर न्यूफाउंडलैंड की पट्टी जो है, इट्स अ हब फॉर टूरिज्म ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी। पूरा मुल्क ही हंजा वैली बना हुआ है। इस तरह मैंने पहले कहा था कि 2,99,000 इंडिया से विजिटर आए थे, उसके बाद पीपल्स, अच्छा चाइना से विजिटर देखे, यहां पर आके दोनों के अंदर फर्क नजर आया। चाइनीज हैव लॉट्स ऑफ मनी, चाइनीज हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड तकरीबन 1 लाख के करीब यहां पर वो विजिट वीजे पे आए, जबकि स्टूडेंट्स उनके बहुत कम आए हैं, स्टूडेंट्स उनके या उनकी सिटीजनशिप बहुत कम है यहां पर। जहां पर इंडिया से 2,99,000 तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स आया है, तो पाकिस्तान से सिर्फ 29,000 स्टूडेंट आया है, विस्टर आया है, मैं बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो पाकिस्तान से 29,000 लोगों को क्या नाम है वीजा दिया है, कि इस्लामाबाद, कराची या वरेवर, लाहौर में पता नहीं है या नहीं है, मैं खैर इस्लामाबाद में ही है जो भी है, तो उस एम्बेसी से आपके 29,000 लोगों को। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि ये पाकिस्तानी ओरिजन है, अगर UAE से लगाओ क्योंकि कहलाएंगे तो वो पाकिस्तानी, या सऊदीया से लगाओ या USA से लगाओ, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तानी ओरिजन जो भी थे 29,000 के करीब वीजा लगा। और आखिर में कि पिछले 5 साल में यहां पर कितने इमिग्रेंट आए, कनाडा इज ए लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, तो पिछले 5 साल के अंदर यहां पर 1,692,90,480, तो तकरीबन 17 लाख कह लें यहां पर नए इमिग्रेंट आए हैं। जी वेयर, तो ये इमिग्रेशन की कहानी थी। अब मैं बात करता हूं कि इंडिया से जो लोग आ रहे हैं इतनी ज्यादा तादाद में, वहां के हालात अच्छे नहीं है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था कि पाकिस्तान से ये क्यों नहीं हो पाता। देखें, इंडिया की फॉरन पॉलिसी जो है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडिया। देखें, एक बात तो ये ठीक है कि यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन इंडिया की जो जिस तरह पाकिस्तान में तारकीन है वतन, तारकीन है वतन, तारकीन है वतन का पैसा जो पाकिस्तान को चलाते रहे 32 billion या जो वट एवर, और यार कहां जा रहा है कैमरा। अच्छा, ये इंडिया की बड़ी सोर्स ऑफ इनकम भी है। आप तस्वर नहीं कर सकते, पाकिस्तान से 10 times या 8 या 9 times ज्यादा जो है ना
वहाँ पर सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ये जो एक्सपैट्स बैठे हुए इंडिया के, तकरीबन तकरीबन आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना इंडियंस, तकरीबन 2 से 3 करोड़ के करीब इंडियंस जो है ना बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के 1 करोड़ के करीब हैं, तो इंडिया के अब और ज्यादा हो जाएंगे जिस हिसाब से, जिस तेजी से वहां से निकल रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं वहां के। सो मेनी रीजंस, इंडियंस नो मोर देन आई नो कि क्यों वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं अक्सर, मेरे जो जानने वाले हैं बैठे हुए इंडिया में, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या जिनसे भी बात होती है, तो मैं उनसे भी क्यों निकल रहे हैं, तो जो कहानियां बताते हैं, वहां गांधी जी चलते हैं, हमारे यहाँ कायदे आजम चलते हैं। मेरे एक दो जानने वालों के केस फंसे हुए हैं वहां पर, 6-6 महीने हो गए लटके हुए, वही रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी जबान पे नहीं चढ़ता। तो और जो बाकी दूसरी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो वहां पर है। अब बारी है पाकिस्तान को क्यों नहीं होता है, पाकिस्तान को वीजे क्यों नहीं लगते हैं, पाकिस्तान के लोग क्यों तड़प रहे हैं, वहां से निकलना चाहते हैं निकल नहीं सकते। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी खर्चा पॉलिसी जो है, इन्होंने कभी इस तरफ, ये वहां पर सिर्फ वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फलाने की बेल और फलाने की जमानत, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी खेल होता रहा पिछले 16 महीने के अंदर देखा ही है, बिलियंस ऑफ रुपीज वो घर बैठ के जो है ना नवाबजादे जो है खा रहे हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिसी बने सही तरीके से, बच्चों की अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो, बच्चों को स्किल सिखाया जाए, ओवरसीज का डिपार्टमेंट बना हुआ है, बैठ के पैसे खा रहे हैं बाबू लोग। और हमने कभी अपनी अच्छी खारजा पॉलिसी किसी बाहर के मुल्क से रखी ही नहीं। इंडिया इज वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज, व्हेन देयर फॉरेन रिलेशंस। शंकर जी को मैं सल्यूट करता हूँ, वो रखा ना गाय ही इस। प्लस कनाडा के अंदर जो आने की वजह है कि यहाँ की जो कैबिनेट है लेबर डिपार्टमेंट, लेबर गवर्नमेंट की, उस पर अच्छे खासे जो है इंडियन उसके हैं, और फिर आगे रिलेशनशिप होती है, फिर एक जनरल पॉलिसी बन जाती है मुल्क की। बहुत सारी और भी वजूहत हैं जो मैं यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर सकता कि उनके क्यों वीजे ज्यादा लगते हैं और हमारे क्यों नहीं ज्यादा लगते। देर आर सम, बट देर आर द मेन रीजन इज अ गवर्नमेंट टू, कि अवर गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल। चले वियर, मेरा क्या नाम है, तकरीबन 22 मिनट 23 मिनट की वीडियो हो गई है, इसमें से थोड़ी सी एडिटिंग होगी तो मेरे 20 मिनट की रह जाएगी। तो मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैं 100% फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ। छोटा मोटा बीच में मेरे ऑनलाइन का काम वगैरह है, और साथ साथ रियल इस्टेट का है, वो भी मेरा बरखुरदार है छोटा, वो भी रियल्टर है, तो लीड उसको पकड़ा देता हूँ, वो जाने सानू पत्ती साड़ी मिल जाती है। एनी हाउ, चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑल माई सब्सक्राइबर्स आर लाइक माई फैमिली, सो आई डिस्कस लार ऑफ माई फैमिली थिंग्स, सो आई होप दिस विल ओपन योर आइज, दिस वीडियो विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड ऑफ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अच्छा, आखिर में जाते जाते, इसी तरह सेम इमिग्रेशन इन अमेरिका में हो रही है, या इससे कहीं ज्यादा लेवल पे हो रही है फ्रॉम इंडिया। अभी की बात नहीं है, इवन हम 90s में जब रहा करते थे शिकागो में, तो मोटरोला की जो बिल्डिंग वगैरह में जाते थे तो सिर्फ इंडियंस नजर आते थे उस वक्त, तो अब तो खैर है ही, और उनको क्रेडिट जाता है इसमें। ये नहीं कि उनकी कोई चालाकी है, दे आर टैलेंटेड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। आई मीन उनके जो बैंगलोर के और जो इनके क्या नाम है हैदराबाद में जो स्कूल है इनके आईटी के, ऐसे थोड़ी के गूगल का भी बन जाएगा, पेप्सी का भी बन जाएगा, एडोबी का भी बन जाएगा, सब इंडियन ओरिजिन होते हैं। दे आर टैलेंटेड, दे डिजर्व इट। चलें वीर, मैं तो बहुत बोलने पे जब आता हूं तो फिर बोलता जाता हूं, मेरे घर वालों को भी शिकायत है मेरे से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोज माई चैनल।